कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे दो कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों के कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। अस्सलाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिब, मैं हूं मुशारे फारूकी। नाज़रीन, आज और हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो मंजिल है वो बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर है। नाज़रीन, आज जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो मंजिल हम ख़ास तौर पे जहां जाने लगे हैं वो एक मस्जिद है, 600 साल कदीम एक ऐसी मस्जिद जहां पे कहते हैं कि जिन्नात उसके रखवाले हैं। जी बिल्कुल सही सुना है। और कहते हैं कि आज तक रात के टाइम इशा के बाद वहाँ पर कहते हैं कि जिन्नात की वहाँ पर आमद होती है और जिन्नात वहाँ पर रहते हैं और उसकी सफाई और बाकी मामला भी वो खुद देखते हैं। कितनी सच्चाई है, बहुत बार इस पर हम इन्वेस्टिगेट पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज हमने चाहा कि दोबारा देखा जाए कि शायद हमें कुछ बेहतर इन्वेस्टिगेशन से चीज़ें वहाँ पर मिल सकें। मोइन आज टीम का हिस्सा होंगे मेरे साथ। मोइन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी हमने कुछ साल पहले, 4 साल पहले हाँ, मस्जिद का रुख किया था। क्या उस टाइम आपको, आप ही साथ थे उस टाइम आपको क्या महसूस हुआ था वहाँ पे? पहली बात तो ये एक बड़ी कह लें कि अजीब सी बात है कि एक मस्जिद में जिन्नात रहते हैं। हाँ, मस्जिद की रखवाली वो करते हैं, सफाई वो करते हैं, इंसानों को जरूरत नहीं पड़ती है सफाई करने की, वो खुद करते हैं। उसके अलावा और भी बड़ी चीजें हैं जिनमें जिन्नात का अमल दखल है, लेकिन सुनने में है वो ना तो नुकसान पहुँचाते हैं, वो अच्छी चीजें हैं। और जैसे कि बात, हम 4 साल पहले यहाँ पे आए थे और मैं ऑफ कैमरा था उस टाइम, पूरी मस्जिद बंद थी, साउंड की इवन बंद था। लेकिन उस चीज ने इतना रिस्पांस किया, बार बार साउंड की इको जनरेट हो रही थी, फिर एक दो चीजें हो भी थी जो नॉर्मली होती है, नलका खुद चल गया। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें कि जो चीज हमारे बिल्कुल साथ खड़ी भी है, एक होती है छठी हिंस कह देती कि आपके साथ कोई है। उस टाइम वो बहुत फीलिंग थी और बहुत ही कह लो के स्केरी था सीन। ऐसे ही ना, हम उसको असेफ ज्यादा बिल्कुल एक लफ्ज यूज नहीं करेंगे। एक मस्जिद है और वहाँ पे जो लोग हैं वो नमाज भी अदा करते हैं, लेकिन जैसे ही कहते हैं कि इशा के बाद और तहज्जुद तक और सुबह फजर के टाइम तक वहाँ पे कुछ ऐसी मूवमेंट देखी गई हैं जो वहाँ पे रहते थे या उसके रखवाले हैं उनकी जानिब से तब भी बताया गया था। आज उस मंजिल की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि अब हमें वहाँ पर क्या मिलता है, क्या वो जिन्नात उसी तरह वहाँ बसते हैं या अब वहाँ से चले गए। हम कोशिश करेंगे कि उनको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। जो होता है ना, हम जगहों पे जाकर शोर मचाते हैं, वो ना करें, तहम्मुल से रहें, अपने जो है चूजिंग ऑफ वर्ड्स वो हम अच्छे रखें कि बेद भी कोई ना होने तो नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मुसलमान जिन्नात जहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ठीक है वो मखलूक वहाँ बसती है। और ये इसमें पहले भी हम सुनते हैं कि मस्जिदों में जिन्नात जो हैं वो नमाज पढ़ने आते हैं, इंसानी रूप में भी आते हैं, तो शायद हमें कोई इंसानी रूप में कोई चीज़ नज़र आ जाए। लेकिन हम कोशिश करेंगे इक्विपमेंट बेस पे कंफर्म करें दोबारा कि वहाँ पे वाकई वहाँ पे जिन्नात हैं। डेफिनेटली वो ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इंसानों के साथ वो नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं, इबादत करते हैं, हर चीज़ करते हैं, कुरान पाक की तलावतों की आवाज़ें आती हैं रात को, तस्बीहां खुद मूवमेंट होते हैं तस्बीहों की, तो ये बड़ी चीज़ है। वहाँ पे अब जाके देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। अभी हम उस लोकेशन की जाने पर आपको दिखाते हैं, फिर बाकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आइएगा। जी नाज़रीन, अभी हम मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ इलाका मकीन कुछ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम बुजुर्गो, किन्ने अरसे तो तुसी इत्थे रह रहे हो? ए सानू 18 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, ते मस्जिद दे बारे च की जानदे हो थोड़ा दस्सो? मस्जिद तकरीबन 8 साल तो बाद आई है, पहले जेड़ा है ना अपना इधर दरख्त बहुत बड़े बड़े सन, लोग कोई इधर आते ही नहीं सन जी, ते बस ए जदो बाद आई है 8 साल तो उदो फिर रुझान होया इधर। ठीक है, ते उस तो बाद फिर जड़ा ना लोग नमाज पढ़न लग पैन। ठीक है, लोग आते ने, औरतें आदि ने, उन्होंने अपना जड़ा ना पानी पुनी रखते ने, कोई मतलब मन्नत वगैरह पूरी होंगी। अच्छा,
बस ते लेडीज भी आंदियां ने लेडीज आंदियां अच्छा ठीक जो जुमेरात वाले ठीक है ठीक है ठीक है और दूसरा ये बताइएगा कि यहाँ पे पहले आबाद नहीं थी तो लोग डरते थे आने से कि जिन्नात वाली मस्जिद जी डरते थे अच्छा ठीक है अब तो माशाल्लाह लोग आ रहे हैं हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह ठीक है ठीक है पांच वक्त की नमाज होती है और जुमे रात वाले दिन यहाँ सारी लेडीज और लड़के वगैरह सब आते हैं अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं। क्या आपने देखा ऐसा जो इस जगह को वाकई कहते हैं कि यहाँ पे जिन्नात हैं? जिन्नात नमाज भी पढ़ते हैं पर जाहिर नहीं होते क्योंकि यार ये जाहिर होने वाली चीज़ ही नहीं है। अल्लाह की मखलूक है ऐसी है कि जाहिर एक बातिन है एक जाहिर है, ये बातिन में रहते हैं और आगे अपनी नमाज अदा करके चले जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। इधर ही होते हैं अक्सर कई जाहिर ही होते हैं यार जैसे धुआंपन होता है जैसे अपना आते हैं नज़र आके चले जल्की दे के चले जाते हैं। इस तरह का महसूस किया जैसे कि आप जैसे धुआं हो गया इस तरह का हो गया जैसे कि मकसद ये रोशनी है रोशनी से आया है चला गया एकदम से इस तरह की महसूस किए हैं महसूस किए हैं मैंने एक दफ़ा खुद के काफ़ी ज़्यादा मैंने ना यहाँ पे आया हूँ नमाज पढ़ने तहज्जुद की नमाज पढ़ने आया था सुबह तब हाँ तकरीबन तीन बजे का टाइम दो बजे का तब आया था तब मुझे काफ़ी यहाँ जिन्नात है ना जाहिर हुए थे। अच्छा। ये यहाँ पे मैंने नमाज पढ़ी थी और यहाँ पे मैंने काफ़ी जिन्नात को देखा था ये वाले एरिया पे और ये वाले एरिया पे बटी जरा दिखाइएगा जरा पैन कीजिएगा सारे एरिया पे मैंने देखा क्या था जैसे धुआं बन यार जैसे आंखें भी रेड कलर की आंखें मैंने देखी थी उनकी काफ़ी जिन्नात को देखा था। अच्छा। एक नहीं कि काफ़ी जिन्नात होते हैं जैसे कि तकरीबन कोई 1000 लगा लो 2000 ऐसे क्योंकि जगह छोटी है मुख्तर से लगते हो तो यह है कि जैसे हम घर में 5 जी या 10 जी हैं इस तरह ये नहीं रहते ये खुला जैसे झुंड होता है ना वैसे रहते हैं। मैंने देखेंगे साया या हाँ हवा धुआं जैसा क्योंकि मैंने जाहिर पर देखा है जैसे ना धुआं है जैसे आज सामने जो हलते हैं ये इस तरह हुआ था मेरे मैं रात 2 बजे का टाइम था क्योंकि अंदर भी काफ़ी आप अंदर जब विजिट करेंगे ना आपको काफ़ी महसूस होगा क्योंकि गोलपत्ती लगी है ऊपर क्योंकि सब मतलब जारी बात है वो जगह जहाँ भी चीज़ें मेरा वजन अभी भी है ना वजूद है ना जो वजन ही होता है वजन ही होता है जैसे वजन ही होता है जैसे बातें करते करते वजन हो वो उस चीज़ को सोच रहे हैं ना सोच रहे हैं तो वो ना बदन है ना मेरा वजूद वजन ही होता जा रहा है ठीक है बात करते करते आप रिलैक्स हो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे वो जारी बात है अल्लाह की मखलूक है नाज़रीन और मुसलमान जिन्नात हैं डेफिनेटली अल्लाह की इबादत करते हैं। तो बुज़ुर्गों आपसे बात हो रही थी तो आपने कभी कुछ देखा हो या सिर्फ सुना ही बातें नहीं सुने हैं ये बातें अच्छा देखा नहीं है देखा नहीं है जैसा इन्होंने बताया वो इस तरह का वाकया आपके साथ नहीं हुआ ठीक है जी जी आपको कहा है जाहिर होते हैं जब होता हो तो जब नहीं आना तो नहीं किसी को भी नजर आते वो इमाम मस्जिद है वो आपको काफी कुछ बता दें लेकिन जारी बात है वो चीजें यहाँ पे हैं और और नमाज भी पढ़ते हैं बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन ये इलाका मकीन के आपको हमने सुनाई बातें कि उन्होंने कहा है कि जिन्नात डेफिनेटली यहाँ पे पाए जाते हैं और उनके बकौल इनके बकौल उन्होंने देखे भी हैं एक धुआंनुमा कोई ऐसी बॉडी भी कह सकते हैं उसको आप रोशनी लगा लें यार ये जैसे है ना जाहिर जैसी होती है ना समझ नहीं आती जाहिर भी कैसी होके चले जाते हैं क्योंकि ऐसी चीज है अल्लाह की मखलूक हमारे वजूद में ये कुछ होता है क्योंकि जब हम नमाज के अंदर होते हैं नमाज के बाद है ना जो चले जाते हैं बाहर जाते हैं फिर आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसी चीज अल्लाह ने मखलूक की ऐसी बनाई है क्योंकि जब बाहर जाते हैं शयातीन ऐसे ही करते हैं आते हैं तंग करने लग पड़ते हैं कानों में तंग करें या आंखों में तंग लेकिन यहाँ पे जारी बात है वो चीजें तंग नहीं करती डिस्टर्ब नहीं करती और वो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जैसा इंसान यहाँ पे नमाज अदा करते हैं वो लोग भी आते हैं। तो आगे और आपकी भी ज़बानी सुनाते हैं इलाका मकीन की और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल पाता है। आइएगा जी नाज़रीन हमारे साफ़ी भाई भी कुछ यहाँ मौजूद हैं जो कसूर शहर को रिपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक हैं। थोड़ा सा बताइएगा इस मस्जिद के हवाले से देखने वालों के लिए जो हिस्ट्री इसके हवाले से अगर आप जानते हैं क्योंकि आपका बचपन भी इसी शहर में गुजरा है तो उस वाले से बताइएगा। हमारा बचपन इस शहर में गुजरा है लेकिन हम इस मस्जिद की तरफ कम आए हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि किसी दौर में ये मतलब उस वक़्त की बात है कि जब जो है हिंदुस्तान में पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं था उस वक़्त ना किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान भी बनना है जी। ये उस वक़्त की बात है जब हिंदुस्तान में सादात ख़ानदान की हुकूमत थी और उस वक़्त यहाँ पर कोई शहर आबाद था तो वो शहर जो है मतलब उस शहर के आबाद होने से भी पहले यहाँ पे कोई अल्लाह वाला यहाँ पर आया था ठीक है और उसने आकर यहाँ पर मतलब अल्लाह वाला था तो उसने अल्लाह की इबादत भी करनी थी तो उसके कुछ जिन्नात कुछ मोक्कल भी थे। अच्छा
तो जैसा हमने सुना है कि उन्होंने फिर उनको हुक्म दिया कि मतलब यहाँ पर कोई इबादत गाह बनाई जाए हमारे लिए कोई ऐसा, तो वो उस वक्त में ये जो है मस्जिद तामीर हुई। अच्छा, कच्ची ईंटों की उस वक्त कोई टील, इधर कोई टीला था। ओके। तो उसके बाद जो है काफ़ी अरसे बाद यहाँ पर एक शहर आबाद हुआ। ठीक है। तो वो हिस्ट्री ये बताती है, बुजुर्गों से ये सुना है कि वो शहर सारा पूरा गर्क हो गया था। ओके। और उस शहर के गर्क होने के बाद ये मस्जिद जो है उसी तरह तामीर रही थी। वही मतलब कि पूरा डिमोलिश हो गया। हाँ, जगह। और ये मस्जिद जो है बच गई थी। ओके, ये बड़ा पॉइंट है ये। और कुछ हिस्सा इसका शहीद भी हुआ था। अच्छा, कुछ हिस्सा। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है आज तक इसको दोबारा, उसके बाद जो है दोबारा से फिर यहाँ पर चुके सारा जंगल ही जंगल था, कोई लोग नहीं थे। फिर बुजुर्ग बताते हैं कि उसके बाद यहाँ पर सिर्फ जिन्नात ही इबादत करते थे और वो यहाँ पर नमाज पढ़ते थे। फिर 19वीं सदी के वस्त में जो है यहाँ पर जो है ना रंगपुर गाँव आबाद हुआ। ये जो इलाका है अब रंगपुर के नाम से जाना जाता है। ये कसूर के अंदर ही, ये कसूर के बिल्कुल साथ में है। तो अब इसका जो है ना रंगपुर के नाम से यहाँ पर एक गांव आबाद हुआ। ठीक है। 19वीं सदी के वस्त में। उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू किया। ठीक है। ये फिर मस्जिद आबाद होगी। अब इस वक्त यहाँ पर पांचों वक्त की नमाज होती। एक वक्त था कि यहाँ पर जो है कुछ नमाजें पढ़ी जाती थी, सुबह की नमाज भी नहीं पढ़ी जाती थी और ईशा की नमाज लोग डरते थे, आते नहीं थे। मैं बताना चाहूँ कि मैं यहाँ पे आई थिंक 2019 में आया था, तो उस टाइम ईशा की नमाज भी हमने यहाँ पर बिल्कुल मौजूद थे हम लोग, और मगरिब के बाद जोहर के बाद हम पहुंच गए थे। तो नाज़िम वहाँ पे इधर यकीन जानिए मैंने मैक्सिमम 2 से 3 लोग देखता था मैं सिर्फ। ये 2019 की बात है, अभी माशाल्लाह काफ़ी लोग आमदरफ्त है, लेकिन चीज़ें मौजूद हैं और वो चीज़ें मौजूद हैं। हाँ। और अब जुमेरात वाले दिन यहाँ पर काफ़ी रश होता है। अब लोग जैसे मन्नत मांगते हैं उस तरह जुमेरात को यहाँ पर खातून भी मस्जिद में आती हैं। अच्छा। और यहाँ पर आकर वो शरीनी वगैरह बांटती हैं और अपनी मन्नत मांगती हैं। बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर कोई अल्लाह वाले जैसे हैं तो यहाँ पर दुआ जल्दी उनकी वजह से जो जल्दी कबूल होती है, ठीक है। तो वो उनका मतलब अकीदा है लोगों का। बिल्कुल, हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब तो इस मस्जिद में रमजान में जो है एतकाफ भी होता है। अच्छा, माशाल्लाह। और पहले ऐसा नहीं होता था कि इसमें जो है एतकाफ का एहतमाम किया जाता, लोग डरते थे। लेकिन अब बुजुर्गान बताते हैं, अब तो हम खुद भी देखते हैं कि यहाँ पे मस्जिद आबाद है। अब तो ये ना मतलब आबादी इतनी होगी कि अब ये दोबारा से शहर के अंदर आ गए। बिल्कुल ठीक है। तो ये अब मस्जिद का यही हिस्ट्री है। बिल्कुल सही है। तो नाज़िम हमारे साथ लाहौरंग के हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। ठीक, ठीक है। अच्छा, आपने कभी इस तरफ चक्कर लगा या नहीं? ये जो है ना मतलब देखी बचपन से ही थी। हाँ। लेकिन कभी अंदर आने का इश्तियाक नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है। ये पहली दफा ऐसा हुआ। सुनते थे मतलब बड़ों ने डराया हुआ था कि अंदर नहीं जाना, उधर जाएंगे। ये ना सारा इलाका तो ये सारा जंगल था। हाँ। अभी तो ये सारी आबादी हो चुकी है। exactly। ये सारी कॉलोनी सोसाइटीज बन चुकी हैं, छोटे छोटे इलाके बन गए हैं। तो ये सारा इलाका था और ये जो मस्जिद थी ये एक टेला था। ये एक टेला था। इसके अलावा बाकी जो है ना राउंड अबाउट कोई भी चिन्ह मतलब कोई भी बंदा नजर नहीं आता था। और हर बंदा ही यहाँ पे डरता था कि पता नहीं अंदर क्या होता। जरी बात है, एक जगह बिल्कुल डेफिनेटली उससे खौफ ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जब एरिया कुछ ऐसे का हो और वहाँ पे सुना हो कि भाई जिन होते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा लोग कतराते हैं। एग्जैक्टली। तो यही मतलब आज आया हूँ तो आज अभी देखते भी हैं क्या होता है, होता है। और अभी जो है ना वैसे कुछ कुछ ना फीलिंग्स वो जब इंसान के वो माइंड सेट बन जाता है ना तो फीलिंग्स फील होना शुरू हो जाती है। जैसे है। वो जिस्म में कपकपाहट सी वो नाज़िम एक है कि इसके दर द्वार से जब हम एंटर हुए अंदर तो एक अजीब सी फीलिंग है। कुछ बाकी मामला आते हैं तो हम फिर आगे की जाने भी चलते हैं और जो यहाँ के इमाम मस्जिद हैं उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं, शायद हमें वो ज़्यादा और बेहतर बता सकें। अभी हम मस्जिद के अंदर जाने से पहले, अब रात का काफ़ी टाइम हो गया और इशा को भी काफ़ी टाइम हो गया हुए लोग चले गए तमाम नमाज के लिए आते हैं। एग्जैक्टली।
तो अभी हम आपको थोड़ा सा इसका इर्द गिर्द का एरिया दिखाना चाहेंगे कि आबादी हो चुकी है। ये मेरे पीछे आप देखें, ये न्यूली कंस्ट्रक्शन है, वो सामने अगर आप घर की जानब अगर हम यहाँ से दिखाते हैं तो ये अभी नया बना है, जैसा आपको इसके तमीर से पता लग रहा है। तो ये इसके कुछ सामने इलाका है। ईएमएफ मीटर वैसे मैंने ऑन किया है। आपको क्या लगता है, ओ रीडिंग आई है, रीडिंग आई है, रीडिंग आई है। आपको क्या लगता है वैसे वो चीज़ बाहर आती होगी मस्जिद से, लोगों को परेशान तो वो नहीं करती है, ये चीज़ तो श्योर है। अच्छा, ऐसा है कि देखा जाए तो वो जो मखलूक है अगर इर्द गिर्द के एरिया में वो शायद मूव भी करती हो, हो सकती है। ज़ाहिर एक ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि नाज़रीन कि इस टाइम वो मखलूक मस्जिद के अंदर मौजूद हो। बिल्कुल, वो पूरा एरिया जो भी इसके साथ एरिया है शायद वहाँ मूव करती हो, या वो कहते हैं ना सात घर जो ये मखलूकें हैं ये सात घर मूव करती हैं, छः से सात घर जिस एरिया में ये पाए जाती हैं। अगर वो कॉलोनी है फॉर एग्जांपल, तो कहते हैं कि वो पूरी कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो वो ये 10 के 10 घर घूमती है वो मखलूक, उसका मस्कन एक जगह नहीं होता। बिल्कुल, जब तक के उस चीज़ को भिजवाया ना गया हो जादू के ज़रिए। तो ये तो अब देखने में डिपेंड है, आपको एरिया दिखा देते हैं साथ साथ, रीडिंग्स हम कोशिश करते हैं अगर आती है तो। अगर इस तरफ कीजिएगा कैमरा, और अच्छा देखा जाए रात के इस पहर एक तो बिल्कुल खामोशी है मोइन, और ये भी साथ कोई ना कोई एरिया बना हुआ है, नए घर बन रहे हैं, पहले तो इस पे नहीं था, अब वो आबादी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखते हैं कि हमें अगर यहाँ पे कोई सिम्टम्स मिल पाते हैं रीडिंग्स के या नहीं। असल हमारी जो जगह है वो बेसिकली तो मस्जिद है, मस्जिद है, और लेकिन वो चीज़ अभी मस्जिद बंद हो रही है, यहाँ तो मतलब बैठी इबादत कर रही होगी। हाँ, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये मस्जिद आप देख सकते हैं ये सामने, और ये पहले दीवारी चार दीवारी इतनी ज़्यादा नहीं थी। हम आपको थोड़ा सा इसके जो दरो दीवार है उस जानिब थोड़ा लेके आए हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मुशारिफ, मुशारिफ ये देखें ना, ओ ये देखें, इधर 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 जल्दी जल्दी बटी कर रहा हूं, कर रहा हूं। ये K2 देख रहे हैं आप, K2 मीटर देख रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंट रीडिंग है यहाँ पे। ये तो देख, ये देखें, इधर 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 जल्दी जल्दी बटी कर रहा हूं, कर रहा हूं। ये K2 देख रहे हैं आप, K2 मीटर देख रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंट रीडिंग है यहाँ पे। ये तो देख, ये EMF को देख, ये दो हाथों से पकड़ा हुआ सिर्फ, ये देख रहे हैं आप, बटी रिकॉर्ड किया। और ये देखिए ऊपर करते हुए जा रहे हैं, ज्यादा होती जा रही है। आर यू सीरियस? ओ माई गुडनेस, क्या कुछ चीज आया आपके नीचे, क्या है ये देखो, ये नीचे दिखाओ बटी, ये मटके तोड़े हुए हैं, ये दिखाओ, ये क्या सीन है यार। EMF की रीडिंग फॉर गॉड सेक, आप ये देखें, ये देखें ये यहाँ पे कम है, ये ऊपर कर रहे हैं, ज्यादा होती भी जा रही है। माय गॉड, अल्लाह अकबर, ये EMF की रीडिंग आप देखें ब्लास्ट पे है और K2 मीटर तक। मोइन ये देख यार, कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी लोकेशन पे, ऐसा नहीं हुआ है इतना एकदम रिस्पॉन्स, मतलब जैसे इतनी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है जैसे मखलूकात हैं। इसको मैंने छोड़ दिया वहाँ पे, नीचे पड़ा कर रहे हैं बटी। यार ये देख यार, आ गया यार, आर यू सीरियस? ये इसकी मस्जिद की दीवार है, बाउंड्री है इसकी, मुझे लग रहा है वो चीज हमारे साथ साथ चल रही है। ये देखें यहाँ पे है कम। मस्जिद की तरफ लेके जा रहे हैं, देखें रेड सेल ऑन हो चुका है, दो उंगलियों से सिर्फ पकड़ा हुआ है। ये देखें, बढ़िया दिखाओ यार, इतनी ब्लास्ट रीडिंग मैंने आज तक नहीं देखी। ये देखें यार, मोइन आर यू सीरियस यार, व्हाट इज गोइंग ऑन, अल्फाज नहीं है मेरे पास। बिस्मिल्लाह, अल्लाह
अलमारूफ जिना वाली रंगपुर, ये देखें जहाँ पे लिखा हुआ है जिना वाली मस्जिद, ये देखें सामने आप रीडिंग देखें। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। दिस इज अनबिलीवेबल, ये बहुत क्लियर प्रूफ है। ये ओ ये देखें, ये देखो यहाँ पे जल्दी मूव, ये देख, ये देख मोइन, देख सी दिस चीज हमारे ये देखना। क्या इसको दोबारा रीडिंग दे सकते हैं? हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए, दोबारा रीडिंग दे सकते हैं? ओ ओ दोबारा रीडिंग दे सकते हैं? ओ ओ हियर इज समथिंग, वो हमारे चीज साथ साथ है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलामो या हफीजो, अस्सलाम अलैकुम। रीडिंग कम हो गई है, रीडिंग चली गई है, रीडिंग चली गई है, चीज दूर हो गई। मेरे इस टाइम रोंगटे जो है ना वो बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। कब कभी वो हमने पहले बात की थी कि इस जगह पे आके एक थोड़ी सी कपकपी है, एक ऐसी चीज पाई जा रही है कि जो कि ठीक नहीं है। बिल्कुल, क्या करें, चलें रेटिंग चली गई है, कर गए वो चीज, हो सकता है अंदर की जाने चल गई हो मस्जिद, क्योंकि मस्जिद के एरिया में हम एंटर हो चुके हैं। अब इस तरफ करें कैमरा, आइएगा कोशिश करके हमें जो है वो बदमजगी नहीं करनी है यहाँ पे। हाँ हाँ, एहतरामन रहना, वो चीज बुरा भी मान सकती है। मैंने ना ऐसा देखा जैसे कोई चीज साया नहीं होती सफेद कलर की। बटी एक सेकंड, बकेट बटी ठहरे ठहरे, इजाजत कॉल कर दे। अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं आए, अगर हमसे कोई गलती गुस्ताखी हो जाए उसके लिए माजरा चाहेंगे। अगर आप अपने होने का एहसास दिला सकते हैं तो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बगैर नुकसान पहुँचाए प्लीज। अच्छा, जो इसको सारा मस्जिद को कंट्रोल भी कर रहे हैं उन, वो भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, उनकी ज़बानी भी आपको सुनाते हैं कि वो हमें इस मस्जिद के बारे में क्या बताते हैं। हमारी कोशिश है जितना पहले आपको हमने लोगों की बातें बताई हैं जो वो इस बारे में जानते हैं, तो उनकी ज़बानी भी हम सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बुजुर्गो ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तुसी दसना किन्ने साल तो तुसी इत्थे रह रहे हो, तुसी सारा इंतजाम? असी 20 साल तो रह रहे हैं। अच्छा, इंतजामिया सारे मामला तुसी वेख रहे हो? बड़ी बनाया ने मैंने। ठीक है, हां जी। अच्छा, कभी जमात हो रही होए या कभी तुसी इकल्ले थे बैठे होए अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, कोई शय देखी, कोई मखलूक? अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है अल्लाह दा। जी जी, इन्ने चिर दे विच ना जी जी असी तहजीद भी पढ़ी दी है, जदों कदी कदी नाजर कई दिन बाद एक वाक्या आता है, जदों जमात खली हुंदी है ना उदो काले पैरां विच कुछ शायद जिवें आउण लई, काले बहुत काले, हां जी। अच्छा, तेजी नाल जिवें जमात नाल रली दा के। ठीक है ठीक है, असीं इह महसूस करने आ कि कोई साडा साथी कोई नमाज पढ़न वाला नाल आया है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣੀ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਹਜਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੋਸਟਲੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋ इनके साथ नमाज पढ़ता है, और फिर बाद में जब ये इस्लाम फेर के जब देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आपने क्या महसूस किया? मकसद ही अपने वाला साहब के नाल आना इतने मस्जिद च, ठीक है, तो देखी जाए सुबह ही नमाज पढ़ते ही तैयत वाले, तो साढ़े नाल इंज महसूस होता है कि जिमें कोई जी साढ़े नाल खला है। अच्छा, तो सलाम फेरी का तो सू दसदा कि कोई शायद मामला नहीं है, दोवें प्यो मतलब हर बंदे ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है इतने,
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਅਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹਰੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਅਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਆਪਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਰ ਬੰਦਾ ਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਨੀ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਮਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਜੀ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਅਬਦੁਲ ਫਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਇੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਜਦ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਸਲਾ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 100-200 ਬੀਵੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਜੁਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਪੈਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪੰਜੇ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਿਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਹੈ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਮੋਇਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਮਤਲਬ ਹਮ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਮੁਖਾਤਿਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਨ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੇ ਉਨਸੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਹੈ ਅਗਰ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਆਪ ਯਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੇਂਗੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਤਾਂਕਿ ਹਮ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਂ ਭਾਰੀਪਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹਿੰਸ ਯੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਇਧਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਮਕੀਨ ਹੋਗੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੋ ਆਪਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਤੋ ਵੋ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਨਾ ਸਰ ਭਾਰੀ ਔਰ ਕੰਧੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਬਟੀ ਬੈਨ ਕੀਜੀਏਗਾ ਕੈਮਰਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਅਜੀਬ ਹੈਵੀ ਪੰਸਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਕੋ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇਹ ਇਸਕਾ ਸਨ ਹਿਜਰੀ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਮਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਏ ਬਟੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਰਫ ਆਈਏਗਾ ਆਪ ਹਮਸੇ ਰੀਡਿੰਗਸ ਔਨ ਰੱਖੀਏਗਾ ਮੈਂ ਵੀ EMF ਔਨ ਰੱਖਣਾ ਯਾ ਸਲਾਮੋ ਯਾ ਫੀਜ਼ੋ ਬਟੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਆਤੇ ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਚਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਨਸ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ السلام علیکم ہم بھی مسلمان ہیں آپ بھی اللہ کے مخلوق ہیں ہم آپ کو بالکل تنگ کرنے نہیں آئے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ یہاں پہ آپ قیام پذیر ہیں کافی عرصے سے ہمارا ایک پروگرام ہے ہم معذرت چاہیں گے ہم سے کوئی گستاخی ہو جائے بیٹھی اس طرف کیجیے گا کیمرہ ہم صرف آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی موجود ہیں تو کوئی مائک کی آواز کر سکتے ہیں یا اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں بغیر نقصان پہنچ
रेटिंग दे सकें। क्या आप इस मीटर के पास आ सकते हैं? अगर कोई चीज़ यहाँ पे है तो बगैर नुकसान पहुँचाए बगैर इस मीटर के पास आ सकते हैं? ओ ओ ओ ओ दिखाएं 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 रीडिंग दिखाएं, दिस इज द प्रूफ। मैंने अभी क्या बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर मीटर के पास आ सकते हैं? रीडिंग दिखाएं बिल्कुल ध्यान से। बहुत शुक्रिया आपने रीडिंग दी है, बहुत शुक्रिया। हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम भी मुसलमान हैं, आप भी यकीनन मुसलमान हैं। और ओ माय गॉड, अल्लाह अकबर लाहौल वाला कुव्वता या सलामो या हफीज़ो, अल्लाह अकबर प्रूफ दें। ये जूम किया हुआ है, कम हो रही है। हम नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्ट करें, कोई ऐसी चीज़ या कुछ चीज़ों की छेड़ें। हम मस्जिद में हैं, हम कोई भी ऐसी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये हमारे पास प्रूफ्स हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी है। क्या ये कुछ माइक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इनमें आवाज कर सकते हैं? ये देखें कोई गूंज कर सकते हैं इसमें? बट यूज तरफ करें कैमरा। कोई आवाज कर सकते हैं माइक में, कोई गूंज की आवाज? हम आपको बिल्कुल तंग करने नहीं आए, चले जाएंगे यहाँ से कुछ ही देर में। दोबारा इस मीटर के पास आ सकते हैं प्लीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा इसके पास आप आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप हमें होने का एहसास दिला रहे हैं बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर। हम यहाँ से बस थोड़ी देर में चले जाएंगे, ये आपकी जगह है, आप रह सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमसे कोई गलती हो जाए हम माजर चाहेंगे। हमने आपके बारे में सुना है कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। हम काफ़ी दूर से आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। हम यहाँ पे आपको तंग बिल्कुल भी नहीं करने आए, हम कुछ ही देर में यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप इस मीटर के पास दोबारा आ सकते हैं? ये मेरे हाथ में मीटर है, इसके पास दोबारा आ सकते हैं आप? My God, Moin. मैं ये सर देख रहा हूँ, वो सर देख। ये देख लें readings. Reading तो है। Oh my God. अल्लाह अकबर। This is unbelievable. मैं नाज़िन, हमारे पास अल्फाज नहीं है फिलहाल, ये प्रूफ है। वहाँ पे मैं बिल्कुल मस्जिद के सेंटर में खड़ा हुआ था, फिर एकदम ये देखें 5 पॉइंट टच किए हैं, मतलब कुछ इस शिद्दत से आइए गुजर के गई है। कसम से हम शुरू में ये जो चीज़ें हैं आपके सामने हो रही हैं, हम मेरे पास अल्फाज नहीं कि एक खौफ भी है, एक अनजाना खौफ है डेफिनेटली। देखता हूँ दोबारा, क्या आप इस मीटर के पास दोबारा आ सकते हैं जैसे आप पहले आए थे?
मोइन, एक खौफ मुझे ना बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है कि कुछ हो ना जाए। एक होता ना दिल घबरा रहा है, हाँ वो ठक 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 हार्ट, मेरी एक तो टांगों में बिल्कुल जान नहीं है, और एक आखिरी चीज़ हम मोशन सेंसर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। रीडिंग्स आ गई हैं दोनों मीटर्स पे, मोशन सेंसर लगाते हैं और देखते हैं, वरना फिर इसको वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे बैठ के उस चीज़ से मुखातिब मुखातिब हो, ठीक है, वो मोशन सेंसर लगाते हैं ना। अच्छा मोशन सेंसर, मोइन एक काम करें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें हम आपकी चीज़ें इसी तरह वापस रख के जाएंगे। मोइन ये आप उधर रखो, इधर ही। बटी आप उधर चल जाएं, उस तरफ से आप इस तरफ कॉर्नर्स पे चल जाएं दोनों, ठीक है, आप उस तरफ, हाँ ठीक है। मोशन सेंसर लगाते हैं और देखते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इधर रीडिंग ज़्यादा थी तो पहले इधर लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज देखिए हमने वहाँ पर एक मीटर मोशन सेंसर लगाया है, क्या उसके आगे से गुजर सकते हैं आप? लाइट चली गई उसकी, क्या हुआ? मैं भी देख रहा हूँ, ग्रीन लाइट। क्या इसके आगे से गुजर सकते हैं? ओ दिखाई ना यार, ओ दिखाई ना यार, कर रहे हैं ये आया, कैप्चर हुआ ये? बटी दिखाओ ना यार, आप तो क्या कर रहे हो? दिखाए वो गिरा है वो प्रॉपर, मजाक उठाऊं? देखें मैं उस मीटर के पास आ रहा हूँ, नुकसान ना पहुंचाइएगा। इसको पहले बंद करना पड़ेगा, आई थिंक वो भी अलार्म करेगा, क्योंकि जारी बात है। बस यहाँ पे रख दो, मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ ये अगर। क्या आप इस मीटर के आगे से गुजर सकते हैं? आपने अभी इसको गिराया है, हम बिल्कुल देख रहे थे, क्या हम आखिरी बार पूछ रहे हैं इसके आगे से अगर आप गुजर सकते हैं, क्या इसको दोबारा गिरा सकते हैं? वो देखो फिर लाइट बंद, फिर लाइट बंद हो रही है, मतलब कोई चीज़ इसमें उस चीज़ को बंद कर रही है, ये बहुत क्लियर प्रूफ नहीं तो ये ब्लिंक करता है ना, ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है और बचता है वो चीज़ मखलूक इसको बंद कर रही है। मोइन अभी देख, दोबारा इसको आप गिरा सकते हैं? ये हमें चाहिए मोइन, वो हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कुर्सियाँ वापस रख देनी चाहिए। अगर आप इसको एक दफ़े गिरा देंगे हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या इसको गिरा सकते हैं या इसके आगे से गुजर सकते हैं आप? तक तो कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पांस अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। वो तो अब प्रॉब्लम ही होती है क्या, इसको बंद किया, क्या किया आपने? क्या ओ ओके ओके ओके, क्या ओ ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कुर्सियाँ वापस रखें। ओ रीडिंग आई है, रीडिंग आई है यहाँ। मोइन मोइन आई थिंक हमें अब जाना चाहिए, मोइन ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए।
बहुत शुक्रिया, हमसे कोई गलती होगी हम माजरा चाहेंगे। यार ये कुर्सी पे रीडिंग आ रही है, इधर आए दिखाएं। मोइन आई थिंक हमें लीव करना चाहिए, मोइन ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान से ध्यान से, अल्लाह वक्त। और बिस्मिल्लाह आ जाए, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया मेहरबानी। ये देखें थोड़ा सा आगे करें। इसको थोड़ा सा मिले हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मिले हैं। और हमने चाहा नाज़रीन कि मस्जिद है और मस्जिद में हम कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे बेहमती हो, और कोई ऐसी हम चीज़ ना करें जिससे वो चीज़ डिस्टर्ब हो। हमारा काम था आप तक वो प्रूफ लेके आना कि वाकई यहाँ पे वो मखलूक, वो जिन्नात यहाँ पे बसते हैं, यहाँ पे उनका सारा टेक ओवर है, बसेरा है। ये मस्जिद को हम कोई ऐसा लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकते कि यहाँ पे कुछ ऐसे मामले आते हैं। ये सारी हिस्ट्रीज़ के सामने आपके सामने है, जन्नात का यहाँ पे पैरा है, वो यहाँ पे रहते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, सारी बातें अच्छी हैं, इसमें कुछ भी नेगेटिव हम आपको नहीं बता रहे। लेकिन छुपे हुए राज हैं, छुपी हुई मखलूकें हैं जो हम इंसानी आँख नहीं देख सकती। ये इंसानों के साथ भी रहती है जिस तरह बाकी जगह रह रही है, लेकिन ये लोगों को तंग नहीं करती, तंग नहीं करती है। यहाँ पे आने का मकसद, इतनी 600 साल पुरानी कदीम मस्जिद दिखाने का मकसद ये था। हम ख़ास तौर पर आज कसूर शहर में आए हैं। अंदर जो प्रूफ्स मिले हैं वो सबसे पहले ईएमएफ और K2 मीटर की रीडिंग्स, इसके पहले बाउंड्री पे आप एडिट पे वो भी देखिए। ये देखें, इधर 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 जल्दी जल्दी बड़ी कर रहा हूं। ये K2 देख रहे हैं आप, K2 मीटर देख रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंट रीडिंग है यहाँ पे। ये तो देख, अंदर गए तो एक खौफ, एक्स्ट्रा खौफ बहुत ज्यादा था आज, बिल्कुल कुछ हो ना जाए ऐसा, क्योंकि हमारा मकसद भी डिस्टर्ब करना नहीं था। अच्छा, अंदर जाते हैं तो रीडिंग्स आती हैं, उसके बाद बार बार ये चीज़ें होती हैं। लास्ट पे हमने फिर मोशन सेंसर लगाया। अच्छा, मोशन सेंसर के आगे से कोई चीज़ मोइन जब गुजरती है ना तो वो अलार्म करती है। बिल्कुल, यहाँ क्या हो रहा था, जैसे उसको हमने ऑन किया वो मखलूक उसको बंद कर रही है। बिल्कुल, दूसरी बार मैंने ऑन किया तो काफ़ी देर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब मैंने नीयत की कि यार चलो चलते हैं तो मीटर वो मोशन सेंसर पे अलार्म आया। क्या ओके गिरा भी था, पहले गिरा, हाँ पहले गिरा है, जब बंद हो गया खुद से फिर हमने ऑन किया तो रीडिंग आई है। मोइन अपने क्या तासुरात बताओ? तासुरात एक तो ये कि अंदर जाने से पहले मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, बहुत स्टिल। एक तो इसकी जो स्टोरी हमने सुनी हुई है वो माइंड में थी। कहते हैं कि ये जो मस्जिद है जिन्नात उठा के लेके आए थे, ये इसमें भी बड़ा वो है कि लेकिन द पॉइंट इज दिस मोइन, कि आज तक यहाँ पे इसकी रखवाली की जा रही है जिन्नात की जानिब से। इंसान तो अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी मखलूक भी मौजूद है जो अल्लाह ताला की मखलूक है और अच्छी मखलूक है, अच्छे जिन्नात हैं, और वो यहाँ पे उनका कयाम है और वो इस चीज़ को पूरा लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो आई होप हमें काफ़ी एविडेंस मिले, हमारा मकसद पूरा हुआ। बिल्कुल नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो सेफ ज़्यादा है, या ऐसा पेशेंट आप लोगों के पास है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो अभी तक के लिए टीम आसेफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।